टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुहर्रम और गणेश उत्सव का त्यौहार है, इसलिए शासन प्रशासन भी काफ़ी सख्त है। मुहर्रम के लिए भी अब शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। हम आपको गाइडलाइन भी बताएंगे, मगर मुंब्रा में मुहर्रम और गणेश उत्सव को लेकर मुंब्रा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर में फ्लैग मार्च किया। मुंब्रा पुलिस स्टेशन से रशीद कंपाउंड तक ये फ्लैग मार्च निकाला गया कि मुंब्रा शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका जायज़ा लिया गया। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से मुहर्रम में मातम जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। नियम अनुसार घर में ही मनाना अनिवार्य है। हाउसिंग सोसाइटी में भी भीड़ इकट्ठा करके मातम नहीं मना सकते। ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति भी नहीं दी गई है, घर पर ही ताजिया बिठा सकते हैं। इसके अलावा सबील पर दो से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पानी सिर्फ बॉटल में दे सकते हैं। सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर्ण ने मुहर्रम पर जारी गाइडलाइन पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। सर, मुहर्रम के लिए जो है क्या गाइडलाइन जारी हुई है? 21 तारीख से मुहर्रम चालू हुआ है, 30 तारीख तक है। मुहर्रम का गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है और उसमें ताबूत पंजे जो है वो जगह पे उन्होंने शांत करने को बोला है। दो लोगों के से ऊपर मंडप में कोई बैठना नहीं चाहिए। पानी जो देना है वो बॉटल में देने के लिए बोला है और भीड़ नहीं होना, एक ही मकसद है मुहर्रम के लिए। जैसे हर साल जुलूस निकलता था, नहीं सब कोई जुलूस को गणपति या मुहर्रम के कोई जुलूस को कोई परमिशन नहीं है इस सब, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। कोरोना अभी मुंब्रा में कल भी जीरो आया हुआ है, इसके पहले भी एक दिन जीरो फिगर आई थी। तो अपने ये मेंटेन रखने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन किया है कोरोना इसको रोकने के लिए, तो ये अपने को पालन करना जरूरी है। इसलिए इस साल कोई जुलूस को हमने कोई परमिशन नहीं दिया हुआ है। यानी कि जारी किए गए नियम अनुसार ही मुहर्रम मनाना होगा और मातम जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। वहीं पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।